क्या आपको पता है कि मॉडेम आखिर होता क्या है? तो चलिए, नहीं पता है तो आज बताएंगे और समझाएंगे भी कि मॉडेम आखिर होता क्या है और ये क्या कार्य करता है। चलिए देखते हैं। मॉडेम शब्द दो शब्दों से मॉड्यूलेटर के यम और डीमॉड्यूलेटर के डी यम से मिलकर बना है। मतलब मॉड्यूलेटर का फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, जो इस प्रणाली को दर्शाता है कि मॉडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से किया था। ये एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है। एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय को दो तरह नेटवर्क संचार के लिए प्रयोजन होता है। यह कंप्यूटर का राउटर को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ता है। तो मॉडेम होता क्या है आखिर दोस्तों? मॉडेम जो है वो मतलब हम बहुत सारे मतलब यहाँ पे यूज़र है, जैसे हम बहुत सारे यूज़र है यही नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, तो वो वायरलेस वायरलेस के माध्यम से हम मॉडेम को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से हम बड़े संस्था में, जैसे सरकारी स्कूलों में, कोचिंगों में देखिए कि आपको दिखाई देगा कि आपको ऊपर में एक मॉडेम लगा रहता है और वहाँ से बहुत सारे वायरलेस तार लगे रहते हैं जिससे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और उस वायरलेस के जरिए हम लोग इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। और इससे मतलब इंटरनेट अच्छा अच्छा भी चलता है और इससे एक ही नेटवर्क से बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं। और मॉड्यूलेटर का प्रयोग होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या टेलीस्कोप केबल से भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। और मॉडेम के प्रकार क्या क्या है? मॉडेम के प्रकार है एक्सटर्नल मॉडेम और इंटरनल मॉडेम, ठीक है। देखते हैं एक्सटर्नल मॉडल क्या होता है। एक्सटर्नल मॉडेम एक बॉक्स होता है जो आधुनिक खेलकूटी को कंप्यूटर सिस्टम से बाहर रखता है। यह कंप्यूटर सिस्टम से एक सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस या वायर फायरवॉल पोर्ट द्वारा कंटेंट को होता है और यह एक टेलीफोन से स्टैंडर्ड टेलीफोन जैक द्वारा कनेक्ट होता है। तो दोस्तों फिर फायरवॉल यहाँ बात आई है। फायरवॉल आखिर होता क्या है? फायरवॉल जो होता है जो कंप्यूटर में जितने भी मतलब बाहरी मतलब बग आते हैं या क्या बोल सकते हैं वायरस, तो उसे वो कंट्रोल करता है, जैसे वो मॉडेम में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और एक्सटर्नल मॉडल में जो होता है कि इंटरनल मॉडल एक सर्किट बोर्ड है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम में एक्सपेंशन इंस्टॉल में लगा होता है। इंटरनल मॉडेम से एक लाभ है कि यह डेस्कटॉप पर स्थान नहीं घेरता। आजकल मॉडेम पर्सनल कंप्यूटर कार्डर्स के रूप में आते हैं। इस प्रकार मॉडेम वायरलेस या मोबाइल फोन के साथ उपयोग होते हैं तथा वायरलेस ट्रांसमिशन को उपलब्ध कराते हैं। मॉडेम जो है दोस्तों वो वायरलेस के साथ आता है, जिससे हम लोग यहाँ देखिए यहाँ हम लोग मतलब वायर लगाते हैं और कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। ये जो बोर्ड जगह हैं इसे इंटरनल मॉडेम इसे कहते हैं। और ये मतलब दो मतलब कोड है इसमें, इससे हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग इंटरनेट उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फैक्स मॉडेम देखते हैं। एक फैक्स मॉडेम जो होता है वो मतलब आप पीसी में, लैपटॉप में आसानी से यूज कर सकते हो, मतलब बाहर से मतलब कनेक्ट कर सकते हो और उसे मतलब वाईफाई के जरिए उसे यूज कर सकते हो, तो वो है फैक्स मॉडेम, ठीक है। फैक्स मॉडेम के उपयोग द्वारा आप अपने कंप्यूटर में फैक्स भेज सकते हैं और साथ ही साथ अन्य कंप्यूटर से फैक्स प्राप्त भी कर सकते हैं। जैसे डाटा आप भेज भी सकते हैं या डाटा किसी कंप्यूटर से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसे आप फैक्स से आप कनेक्ट कर दोगे एक दूसरे कंप्यूटर से, तो आप अगले कंप्यूटर के डाटा आप अपने कंप्यूटर पर ले सकते हो और सभी मतलब सभी कंप्यूटर आपस में एक साथ जुड़े रहते हैं आपस में।
फैक्स मॉडल मशीनों को फैक्स की सूचना का आदान प्रदान करता है। इसका ये लाभ है कि उसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करके फैक्स द्वारा प्राप्त सूचनाओं को फाइल्स में बदल कर एडिट कर सकते हैं, उसे एडिट भी कर सकते हैं। और जब हम लोग मतलब वीडियो अगले वीडियो चला सकते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे। हम लोग जैसे सिंपली अपने मतलब पर्सनल कंप्यूटर में जैसे करते हैं हम लोग वैसे भी कर सकते हैं, वो सारे प्रक्रिया हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग अपने पीसी या लैपटॉप में जैसे आप काम जैसे आप काम करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस है उसका भी। रिमूवेबल मॉडेम, ये दोस्तों रिमूवेबल मॉडेम आप यहाँ देखते हो, आपने इसको यूज़ किया हुआ लैपटॉप में, इससे हम लोग सिम कार्ड या कोई मतलब सिम कार्ड जैसे हम लोग मॉडेम बोलते हैं, जिससे हम लोग कभी भी मतलब यूज कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट मतलब उसका सिम लगा रहता है जिसमें हम लोग आराम से उसमें यूज कर सकते हैं। पीसी में आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो कनेक्ट करके OTG की मदद से, ठीक है। मॉडेम पूरे लैपटॉप पीसी इंस्टॉल के साथ प्रयोग किया जाता है और ज़रूरत के अनुसार इसे जोड़ा हटाया जा सकता है। तो इसको जब जब मन चाहे आप लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये एक कार्टर की तरह होती है जैसे हम लोग कभी भी यूज कर सकते हैं कभी हटा सकते हैं, तो ये रिमूवेबल मॉडेम इसे कहते हैं, ठीक है। इस तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉडेम वगैरह होता क्या है।